हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर स्टडिंग अवर सोशल स्टडीज बुक ऑफ क्लास 7th इन दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग अवर सेकेंड लेसन ऑफ हिस्ट्री पार्ट ऑफ दिस बुक इन दिस डेज। इन दिनों हम लोग इस बुक का जो हिस्ट्री का जो पार्ट है उसका सेकेंड लेसन स्टडी कर रहे हैं एंड विच इज जो कि है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और उनके साम्राज्य। वी हैव स्टडीड अबाउट मैनी किंग्स एंड देयर किंगडम्स इन अवर लास्ट वीडियोज। अपने पिछले वीडियोज में हम लोगों ने कई इंडियन किंग्स के बारे में, कई इंडियन किंग्स के किंगडम के बारे में, साम्राज्य के बारे में स्टडी की एंड देन वी हैव स्टडीड ऑल्सो अबाउट द इन्वेडर्स। और उसके बाद में हमने जो हमलावर थे, जो बाहर के अदर कंट्रीज के जो इन्वेडर्स थे यानी कि हमलावर थे जिन्होंने अपने देश पर हमले किए, उनके बारे में भी स्टडी स्टार्ट की है। वी हैव स्टडीड अबाउट महमूद ऑफ गजनी, जिसको महमूद गजनी भी कहते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी की कि कैसे वो गजनी का जो सुल्तान था उसने सोमनाथ पर एक बड़ा हमला किया, इन्वेडर किया और लगभग 50,000 पीपल वहां पर उसने किल कर दिए, मार दिए वहां पर। और इसके अलावा भी इंडिया में कई ऐसे प्लेस हैं जहां पर उसने इस तरह के अटैक किए, केवल ओनली लूट के लिए, लूटने के लिए वो आया था और बहुत सारी दौलत वेल्थ वो लेकर के यहां से अपने देश चला गया गजनी। और वहां पर उसने उस दौलत से कई सारे जो मस्जिद है, कई ऐसे कॉलेज है, इस तरह की चीजें बनवाई। और यहां से वो अपने साथ में जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे, जो बुद्धिमान लोग थे या जो क्राफ्ट्समैन थे यानी हाथ के कलाकार थे, उनको भी अपने साथ में वो प्रिजनर बना करके ले गया, बंदी बना के ले गया। ये सारी बातें हमने पढ़ी है अपने पिछले वीडियो में महमूद गजनी के बारे में। और बाद में ये भी हमने पढ़ा कि वो जब मरने वाला था तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन उसकी दौलत उसने किसी को नहीं दी और फिर वो समाप्त हो गया। समाप्त होते ही वो उसका साम्राज्य बिखर गया पूरा। तो ये था महमूद गजनी, जो गजनी से आया था, जो अभी अफगानिस्तान में है। और उसके दरबार में दो बड़े जो इंटेलेक्चुअल थे वो भी थे, अल बरूनी और फिरदौसी नाम के। तो उन्होंने अलग अलग बुक्स भी लिखी है अल बरूनी और फिरदौसी ने, तो वो सारी भी चीजें अपन ने पढ़ी है। एक तो ये महमूद गजनी के बारे में अपन ने पढ़ा था और इसके बाद में आज अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो दूसरा एक और इन्वेडर है, एक और हमलावर था जिसका नाम था मोहम्मद ऑफ गोरी, मोहम्मद ऑफ गोर, यहां तो गोर लिखा हुआ है लेकिन इसको मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं अपन। तो वो देखो, मोहम्मद और महमूद थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों नामों में, तो ध्यान रखना है। ये जो था फर्स्ट वाला वो तो था महमूद ऑफ गजनी, इसको महमूद गजनी कहते हैं, इसको महमूद गजनी के नाम से कुख्यात है ये, सॉरी महमूद गजनी है ये। तो पहला वाला जो था वो तो महमूद ऑफ गजनी था, गजनी का महमूद, ये लुटेरा था, एक सोमनाथ पर आक्रमण किया था इसने। दूसरा ये जो इन्वेडर था, जो हमलावर था, ये था मोहम्मद ऑफ गोर। वैसे गोर ये मुझे लगता है आई भी आना चाहिए था यहाँ पे, गोरी, मोहम्मद गोरी कहते हैं इसको, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाइयां लड़ी थी। दो लड़ाइयां लड़ी इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ में, एक लड़ाई में ये हार गया, पृथ्वीराज चौहान ने इसको छोड़ दिया, लेकिन दूसरी लड़ाई में ये जीता तो इसने उसको नहीं छोड़ा। तो अपने यहाँ पर जो कई बार दया जो थी अपने शासकों की, अपने भारतीय राजाओं की, वो भी उनके पतन का कारण बनी। तो वो अगर पहले युद्ध में ही इसको छोड़ता नहीं तो शायद ये दूसरी बार हमला करने की स्थिति में नहीं रहता। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे इसके बारे में आज, ये जो दूसरा हमलावर था मोहम्मद ऑफ गोर, यहाँ पर गौर लिखा है पर मोहम्मद गोरी अपन इसको कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये भी वहीं का शाह सुल्तान था, गजनी से ही आया था ये भी, वो भी गजनी से आया था, ये भी गजनी से आया था, मोहम्मद ऑफ गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद इसका पूरा नाम था। स्थान का नाम है गोर या गोरी, गोरी पता नहीं, गोरी नाम से ही प्रसिद्ध है ये मोहम्मद गोरी।
अब ये गौर है कि गौरी है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर गौर छपा हुआ है, लेकिन प्रसिद्ध ये मोहम्मद गौरी के नाम से है। शहाबुद्दीन मोहम्मद ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ गजनी। गजनी से ही वो पहले वाला आया था जो महमूद गजनी था, जो पहले वाला, ये मुहम्मद गोरी है। तो इसने थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, इसने गजनी का जो सिंहासन था, थ्रोन ऑफ गजनी, वो ऑक्यूपाइड यानी उस पर कब्जा किया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद नाम था इसका। शहाबुद्दीन मोहम्मद ऑक्यूपाइड यानी इसने, शहाबुद्दीन मोहम्मद ने कब्जा किया द थ्रोन ऑफ गजनी यानी गजनी के सिंहासन पर इन 1173 CE यानी सन 1173 में इसने गजनी के सिंहासन पर, थ्रोन ऑफ गजनी पर ऑक्यूपाई किया इसने। मेकिंग पंजाब एज हिज बेस, इसने पंजाब को अपना बेस बनाया। बेस क्या होता है? आधार, जहां पर कोई चीज अपन स्थायी रूप से रहते हैं, जहां अपना बड़ा खेमा रहता है, इनका सेनाएं ज्यादा रहती है, जहां से ये फिर आगे आक्रमण करते हैं, वो जो जगह होती है उसको बेस कह सकते हैं अपन, छावनी भी कह सकते हैं अपन। तो इसने अपने पंजाब को इसने अपना बेस बनाया, यानी आया वहीं से था ये भी, अपने गजनी से आया था ये भी, और इसने पंजाब को अपना बेस बनाया, छावनी बनाई इसने। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया फॉर ए कैंपेन, एक अभियान शुरू किया इसने, कैंपेन स्टार्ट किया टुवार्ड्स दिल्ली एंड द गंगा वैली, यानी टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, दिल्ली यानी दिल्ली और गंगा की जो वैली यानी गंगा की जो घाटी थी, यानी गंगा के आसपास का जो इलाका था, यानी कि मध्य भारत जो था और जो दिल्ली का इलाका था, उसकी ओर इसने अपना अभियान शुरू किया, कैंपेन शुरू किया, पंजाब में इसने अपना बेस बनाया। एट दिस टाइम, इस समय पर पृथ्वीराज चौहान, अपने अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ अजमेर, उन्होंने अजमेर का जो सिंहासन था वो ऑक्यूपाई यानी उस पर उन्होंने आधिपत्य किया था इन 1178 CE। ये 1173 में गजनी के सिंहासन पर बैठा, 73 में, और लगभग 5 साल बाद अजमेर के सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान बैठे थे, यानी दोनों लगभग उसी समय पे थे। शॉर्टली आफ्टर दिस, जल्दी ही इसके बाद, ही कॉन्कर्ड दिल्ली, पृथ्वीराज चौहान ने जल्दी ही दिल्ली को विजय कर लिया, दिल्ली के ऊपर फतेह हासिल कर ली, कॉन्कर्ड यानी विजय हासिल कर ली दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान ने, एंड डिफीटेड द चंदेल्स। वहां पर दिल्ली पर पहले चंदेलों का यानी चंदेल राजवंश का शासन था, उनको हरा कर, उनको डिफीटेड करवा कर पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के ऊपर कॉन्कर्ड यानी विजय हासिल की। हाउ एवर यानी हालांकि, ही वॉज डिफिटेड बाई द रूलर ऑफ गुजरात, लेकिन दिल्ली के ऊपर विजय तो हासिल कर ली पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन वो गुजरात के जो शासक थे उनसे हार गया था पृथ्वीराज चौहान, एंड देन टर्न्ड, और उसके बाद गुजरात से हार गया तो फिर वो वहां से मुड़ गया टुआर्ड्स पंजाब एंड गंगा वैली, पंजाब और गंगा वैली की तरफ वो मुड़ गया। अब देखिए, उधर तो वो महमूद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी आ रहा है पंजाब से, पंजाब उसका बेस है, और पंजाब और जो गंगा की वैली है उसकी तरफ उसने अभियान शुरू किया था। इधर से फिर ये पृथ्वीराज चौहान जो है, ये गुजरात से हारने के बाद में पंजाब और गंगा वैली यानी वही इलाका दोनों का हो गया, कंपटीशन जैसा हो गया दोनों में। मोहम्मद गोरी तो पंजाब और गंगा वैली पर और दिल्ली पर तो ऑलरेडी ये था ही, ये पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठा ही था, तो दिल्ली पर उसका टारगेट दिल्ली था मोहम्मद गोरी का, और इधर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे, और साथ में इन्होंने पंजाब और गंगा वैली की तरफ भी इन्होंने जीतने के लिए उधर मुड़ गए। टू ऑक्यूपाई दीज रीजन, इन क्षेत्रों को ऑक्यूपाई करने के लिए यानी कब्जे में करने के लिए ये मुड़ गए उधर की तरफ। एज दीज टू पावरफुल रूलर्स, जैसे कि ये जो दो पावरफुल रूलर्स थे, दो शक्तिशाली शासक थे ये, एक तो मोहम्मद गोरी था, एक पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद मोहम्मद वांटेड टू
देखो यहाँ पर गोरी नहीं आ रहा है, केवल मोहम्मद ही आ रहा है, यानी गोरी है ये, इसका स्थान का नाम है गोरी। तो ये मोहम्मद गोरी वांटेड टू ऑक्यूपाई दीज रीजन, ये दोनों ही इस रीजन को, कौन सा रीजन, कौन सा क्षेत्र, गंगा वैली यानी गंगा का मैदान घाटी, और जो पंजाब है, जो दिल्ली है, ये जो मध्य भारत है, इसको ऑक्यूपाई करने के लिए, दीज रीजन यानी इस क्षेत्र को ऑक्यूपाई करने के लिए, इस पे अधिकार करने के लिए दोनों ही जो शासक थे, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, ये चाहते थे। दिस एम्बिशन ऑफ टू, ये जो दोनों की जो एम्बिशन थी, जो महत्वाकांक्षा थी, जो इच्छा थी इन दोनों की, लेड टू द अक्रेंस ऑफ टू बैटल्स, इस दोनों की इस महत्वाकांक्षा ने दो युद्धों को जन्म दिया। अकरेंस यानी पैदा हुए, लेड टू द अकरेंस यानी पैदा होने के कारण बने। इन दोनों की जो महत्वाकांक्षा थी, यानी एक ही इलाके पर दोनों ऑक्यूपाई करना चाहते थे एक ही रीजन को, तो इसके कारण से दो बैटल्स या टू बैटल्स यानी दो युद्धों का अकरेंस हुआ, उद्भव हुआ, यानी दो युद्ध हुए इनके बीच में, इन 1191 CE एंड इन 1192 CE, यानी एक साल बाद ही, 1191 सन 1191 में पहला युद्ध हुआ इनके बीच में, और फिर 92 यानी अगले ही साल, एक साल बाद ही दूसरा हुआ एट तराइन नियर भटिंडा, भटिंडा पंजाब में है, भटिंडा में इनके बीच में युद्ध हुआ। भटिंडा के पास एक स्थान है तराइन, तो ये तराइन के युद्ध कहलाते हैं इनके बीच में जो हुए, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो युद्ध हुए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो इस तरह से दोनों टकराए आपस में। अब देखिए यहां पर तराइन के युद्ध के बारे में बताया गया है, द बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध, मोहम्मद फेस्ड ए क्रशिंग डिफीट, मोहम्मद को, मोहम्मद ने, मोहम्मद गोरी की बात चल रही है यहां पे, मोहम्मद फेस्ड यानी मोहम्मद ने सामना किया एक क्रशिंग डिफीट यानी एक बुरी तरह हार का, उसने बुरी तरह हार का सामना किया इन द फर्स्ट बैटल, पहले युद्ध में, एंड ही बैरली एस्केप्ड, और वो बुरी तरह से बचकर निकला विद हिज लाइफ, उसकी जिंदगी बचाकर, यानी बड़ी मुश्किल से वो अपना जीवन बचा के भागा पहले युद्ध में। हाउएवर, हालांकि विद इन ए ईयर, एक साल में ही रिटर्न बैक, वो वापस लौटा विद ए मैसिव आर्मी, बहुत विशाल सेना के साथ, आफ्टर मेकिंग केयरफुल प्रिपरेशंस, सावधानी, कुछ सावधानी पूर्वक तैयारियों को बनाकर, केयरफुल प्रिपरेशन यानी सावधानी पूर्वक उसने प्रिपरेशंस की एक साल में, यानी तैयारियां की, और ये सब करके वो एक साल में ही वापस लौटा। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, पृथ्वीराज मैनेज्ड टू गेन द सपोर्ट ऑफ ऑल द राजाज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जबकि जो दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, उन्होंने पूरे नॉर्दर्न इंडिया में यानी उत्तरी भारत में जो भी राजा थे उनका सपोर्ट लेने की कोशिश की इस एक साल में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पृथ्वीराज मैनेज्ड, पृथ्वीराज ने मैनेज यानी ये मैनेज किया, यानी उन्होंने इस बात की प्रबंधन किया, टू गेन यानी प्राप्त करने के लिए द सपोर्ट ऑफ ऑल द राजाज, सभी राजाओं का सपोर्ट हासिल करने की उन्होंने मैनेज किया, प्रबंधन किया, ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। उनको पता था कि ये आएगा वापस और बहुत भयंकर सेना लेके आएगा, तो उन्होंने उत्तरी भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी राजाज थे, राजा लोग थे, उनका सपोर्ट गेन करने के लिए यानी कि सहयोग हासिल करने के लिए उन्होंने मैनेजमेंट किया, उसका प्रबंधन किया। लेकिन एक एक राजा था जो कि उनके साथ में नहीं था, और उसी ने गद्दारी की उनके साथ में, जिसको बोलते हैं जयचंद। जयचंद का नाम आज भी कुख्यात है कि अगर कोई आदमी गद्दारी कर देता है ना, तो बोलते हैं ये जयचंद है, ऐसे नाम, मतलब उसका नाम आज भी यूज किया जाता है गद्दारी के लिए, कि ये जयचंद निकला ये आदमी, तो ऐसा बोलते हैं आज भी। तो उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी, और वो उन उसके पृथ्वीराज के साथ नहीं था, बाकी सब राजा साथ थे उनके, एक्सेप्ट यानी इसको छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है बजाय जयचंद्र, यहां पर जयचंद्र लिखा हुआ है, वैसे इतिहास में अपन इसको जयचंद के नाम से जानते हैं। तो एक्सेप्ट
जयचंद्र, ये जयचंद्र नाम का एक राजा था, उसके अलावा जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के राजाज थे उनका सहयोग उनको मिला। ये जयचंद्र था ऑफ कन्नौज, ये कन्नौज का राजा था जयचंद्र। ये इसके अलावा बाकी सब राजाओं ने उसको साथ दिया, बट द एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन शानदार ऑर्गेनाइजेशन संगठन, लेकिन शानदार संगठन एंड रैपिड मूवमेंट्स और तेज गति के कारण ऑफ द तुर्किश आर्मी, वो जो तुर्कियों की आर्मी आई थी, जो महमूद गोरी की जो आर्मी थी, सेना थी उसकी, वो एक तो उनके पास में एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी बहुत बड़ी सेना थी, तो शानदार उनके संगठन था उनका, और रैपिड मूवमेंट यानी बहुत तेज गति से वो आई थी। ऑफ तुर्किश आर्मी, ये जो तुर्की लोगों की जो आर्मी थी, वर टू मच, ये बहुत अधिक थी फॉर हिम, उसके लिए, एंड सो, और इसलिए। देखिए यहाँ पर दो बातें बताई गई है, उनकी खास बातें जो तुर्की आर्मी थी, कि उनके पास एक तो एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन था यानी उनका शानदार उनका ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन था, उनकी रूपरेखा शानदार थी, एक्सीलेंट थी, और उनका रैपिड मूवमेंट था यानी बहुत तेज गति से वो चलते थे, घोड़े उनके पास बहुत शानदार थे, अरबी घोड़े वैसे ही प्रसिद्ध हैं। तो ये रैपिड मूवमेंट और एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन के कारण तुर्किश ये जो आर्मी थी उनके कारण वो बहुत ज़्यादा रहे यानी वो भारी पड़े ऑन हिम यानी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। एंड सो, और इसलिए मोहम्मद स्टूड विक्टेरियस, इसलिए मोहम्मद रहा विजयी इन दिस बैटल, दूसरे जो युद्ध में मोहम्मद विजयी रहा इस बार। एंड ही ऑक्यूपाइड दिल्ली, और उसने कब्जा कर लिया दिल्ली पर, दिल्ली एरिया, दिल्ली के एरिया पर, एंड ईस्टर्न राजस्थान, और जो ईस्टर्न यानी पूर्वी राजस्थान, राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है जो दिल्ली से टच में है, उस पर और दिल्ली पर उसने मोहम्मद गोरी ने ऑक्यूपाई कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। बिटवीन द ईयर 1192, देखिए पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में, और दूसरा हुआ 1192 में। तो 92 में वो वहां पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया मोहम्मद गोरी। बिटवीन द ईयर्स 1192 CE एंड 1206 CE, यानी 1192 से लेके 1206, यानी 8 साल तो वो हो गए, और 6 साल ये मान लो 14 साल का ये टाइम पीरियड है, यानी 14 साल तक वो शायद रहा दिल्ली के सिंहासन पर। तो ये समय बताया गया है बिटवीन द ईयर्स 1192 CE एंड 1206 CE, 1192 से 1206 के बीच में द तुर्किश यानी ये जो तुर्की लोग थे, जो जिसका मुखिया मोहम्मद गोरी था, रूल यानी इन्होंने शासन किया, स्प्रेड ओवर गंगा यमुना, ये फैल गया इनका जो शासन था गंगा यमुना दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, गंगा और यमुना नदी जो है उनके बीच का जो इलाका है, बीच का जो क्षेत्र है, मध्य का भूभाग है, उस पर 14 साल तक इन्होंने रूल किया, शासन किया। बंगाल एंड बिहार पर भी इन्होंने किया, गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब था उस पे किया। इट शुड बी नोटेड, यहाँ पर ये चीज नोट की जानी चाहिए, यहाँ पर ये चीज ध्यान दी जानी चाहिए, दैट की मोहम्मद आल्सो डिफिटेड जयचंद्र, यानी मोहम्मद ने जयचंद्र को भी हराया। फिर द रूलर ऑफ कन्नौज, जो कि कन्नौज का शासक था, इन द ईयर 1194 CE, 1194 में, 92 में तो उसने पृथ्वीराज को हराया, 2 साल बाद ही उसने उसका नंबर ले लिया, इसका जयचंद का। कहते हैं कि जयचंद ने गद्दारी की थी पृथ्वीराज के साथ, इसीलिए वो साथ में नहीं आया, बाकी जो नॉर्दर्न इंडिया के सारे राजा एक साथ थे लेकिन वो नहीं आया, उसने सोचा कि भाई ठीक है अपन अपन बने रहेंगे, ये सब मारे जाएंगे, और बाद में 2 साल बाद में उसका भी नंबर ले लिया मोहम्मद गोरी ने 94 में। 92 में वो सेकंड तराइन हुआ और 94 में मोहम्मद गोरी को भी हरा दिया उसने, मोहम्मद इसको जयचंद को हरा दिया मोहम्मद गोरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब देखिए मोहम्मद गोरी जो था ना वो तो क्या है कि लुटेरा टाइप का था, वो तो आया उसने लूटपाट करता था और चला जाता था, वो आता जाता रहता था अपने देश से इधर उधर। तो उसके दो सेनापति यहाँ छोड़े हुए थे मोहम्मद गोरी के, एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार बनवाई, कहते हैं दिल्ली में जो कुतुब मीनार बनी हुई है लंबी,
वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी, जिसने कि वो जलाया था यूनिवर्सिटी जला दी पूरी यहाँ पर बंगाल बिहार में, एक यूनिवर्सिटी विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, पूरी को जला दिया उसने बख्तियार खिलजी ने। तो ये दो सेनापति थे, उसके कमांडर थे ये मोहम्मद गोरी के, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी, द टू जनरल्स ऑफ मोहम्मद। मोहम्मद के ये दो जनरल थे, यानी कि ये सेनापति थे दो, हैंडल्ड द फर्दर कॉन्सेक्वेंस, आगे के जो विजय इन्होंने हासिल की वो इन दोनों ने इनके नेतृत्व में हासिल की, यानी वो फिर आगे नहीं रहा, फिर उसने अपने सेनापतियों को भेजा जहां पर भी विजय हासिल करनी थी। कॉन्क्वेस्ट यानी होती है विजय, तो आगे की जो फर्दर कॉन्क्वेस्ट थी यानी आगे की जो विजय थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, वो मोहम्मद गोरी के ही कमांडर थे, उसके ही गवर्नर थे, उन्होंने फिर हासिल की थी। एंड मोहम्मद वाज रिक्वायर्ड टू गो बैक, और मोहम्मद को वापस जाना पड़ा टू गजनी, गजनी में, वो गजनी से ही आया था, वो भी गजनी से, वो शुरुआत वाला जो था महमूद गजनी, वो भी गजनी से आया था और ये भी गजनी से ही आया था, तो वापस इसको गजनी जाना पड़ा क्वाइट ऑफन, यानी प्रायः उसको गजनी जाने की आवश्यकता पड़ती थी टू हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था गजनी का, वहाँ का जो प्रशासन था उसको हैंडल करने के लिए वो गजनी चला जाता था मोहम्मद गोरी जो था। ही वॉज मर्डर्ड, वो उसको मार दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया ऑन द वे टू गजनी, जब वो गजनी जा रहा था तो रास्ते में उसका मर्डर कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया, उसको माना जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है फाउंडर के रूप में, यानी संस्थापक के रूप में ऑफ तुर्किश रूल, यानी तुर्की साम्राज्य के इन इंडिया, यानी भारत में, भारत में जो तुर्की साम्राज्य रहा आगे जाकर के, उसका फाउंडर उसको माना जाता है, उसको उसका संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। तो ये था मोहम्मद गोरी। हम पढ़ रहे हैं अलग अलग रूलर्स के बारे में, अलग अलग राजाओं के बारे में। तो अभी तक अपन ने पहले तो इंडियन रूलर्स के बारे में पढ़ा, राजपूतों के बारे में पढ़ा, लेकिन ये जो लोग दो अपन ने पढ़े हैं ये बाहरी लोग थे, इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, लूट करने के लिए भारत में आए थे, और इन्होंने भारत को लूटा और अपने देश में ले गए धन संपदा, और साथ में लोगों को भी पकड़ के ले गए। इंटेलेक्चुअल जो लोग थे, बुद्धिमान जो लोग थे, या क्राफ्ट्समैन थे, जो हाथ के कलाकार थे, उनको ये बंदी बनाकर, प्रिजनर्स बना करके ले गए। तो ये अपन ने स्टडी की है मोहम्मद गोरी के बारे में। अब है यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट है, कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ इंडियन रूलर, यानी इंडियन रूलर यानी भारतीय राजाओं की जो डिफीट हुई, जो हार हुई, उसके कारण क्या थे, कॉजेज यानी कारण ऑफ द डिफीट यानी हार के कारण ऑफ इंडियन रूलर्स यानी भारतीय राजाओं के। इंडियन रूलर्स के डिफीट होने के, हारने के कॉजेज क्या थे, कारण क्या थे, क्यों वो हार गए बाहर से आए हुए लोगों के। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि वो यूनाइटेड नहीं रहे, कभी भी उन्होंने मिलकर के सामना नहीं किया मोहम्मद गोरी का या बाहर के लोगों का। सब लोग एकजुट होकर के, भारत के सारे राजा अगर बाहरी लोगों से मिलकर के सामना करते तो कभी भी बाहर के लोग नहीं जीतते, पर आपसी फूट के कारण, एक दूसरे की ईर्ष्या के कारण, एक दूसरे को गिराने की इच्छा के कारण, और वो बाहर के लोग जीतते जाते थे। अदरवाइज वो कितनी बड़ी सेना लेके आ पाते थे, भारत की अगर सेना मिलती तो बहुत विशाल सेना हो सकती थी, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। वी विल स्टडी अबाउट दीज कॉजेज, इन कॉजेज के बारे में, इन कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेसन, अगले वीडियो में। और साथ ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी आ गए हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग के 3 क्वेश्चंस हैं, इनको भी अपन आंसर करेंगे, और इसके साथ ही ये अपना लेसन एक्चुअली कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि लेसन बाकी है, अब जो आएगा आगे वो चोल साम्राज्य के बारे में आएगा। तो अपन ने पढ़ा है शुरू में कि भारत में बड़ी ताकतें थी, उसमें चोल था, साउथ में थे ये लोग, चोल साम्राज्य जो था वो साउथ इंडिया में था, नीचे के हिस्से में। अपन ने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा,
ये जो एरिया था ये चोल साम्राज्य था पूरा। तो भारत के ये तो राष्ट्रकूट थे, ये था, ये पाल हो गए, ये प्रतिहार, ये पाल, अच्छा ये तीन का ही बताया हुआ है, ये राष्ट्रकूट और ये प्रतिहार। ये चोल जो थे ना ये साउथ में थे, इधर चोल साम्राज्य के बारे, वो भी बड़ा एक महान साम्राज्य हुआ है भारत में, तो उसके बारे में यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन अभी जो ये सिलेबस अनाउंस किया है अभी अभी, उसमें इनको कट कर दिया है, चोलों के बारे में जो भी नॉलेज है इसको कट कर दिया है सारा। अब जो नॉलेज है वो पूरा चोलों के बारे में है, उनके क्या क्या उन्होंने किया, मंदिर बनवाए उन्होंने, इम्पोर्टेंट जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनके बारे में, शिलालेख मिले हैं, ये पूरा चोलों का है अब। लेकिन वो अपने को पढ़ना नहीं है कि वो सारा कट कर दिया चोल का, चोल साम्राज्य का। तो अब अपना जैसे ही अपना ये पॉइंट कंप्लीट होगा ना कि इंडियन रूलर्स की डिफीट के कॉजेज क्या थे, तो अपने सीधे अपन पहुंच जाएंगे थिंग्स टू रिमेंबर में, यानी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने होंगे। फिर अब ये भी काफ़ी सारे हैं पॉइंट्स भी, और फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये आ जाएगा अपना। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, एंड वी विल स्टडी अबाउट द कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ इंडियन रूलर्स, द लास्ट पॉइंट ऑफ द लेसन। सी यू एंड बाय।